हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए 6-7 नंबर के लिए बहुत ही सुंदर सॉक्स लेके आई हूँ मैं, अंगूठे वाली, और बहुत इजी डिजाइन है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। तो इसको मैंने 49 फंदों से यहाँ से स्टार्ट करा है, छोटा बड़ा आप इसको कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसको। जी इसको मैं सभी साइजों के लिए बनाना बता रही हूँ। इस पर मैंने ये 49 फंदे डाले हैं, ये मैं 6-7 नंबर के लिए बना रही हूँ। अगर इससे छोटा बनाना है आपने तो आप दो दो फंदे इसमें कम कर लीजिए। जैसे इसमें 49 डाले हैं तो उसमें आप 47 उससे कम डालना है। एक एक नंबर के लिए हम दो दो फंदे कम करेंगे बॉर्डर के लिए, और आगे हम सेम ही बनाएंगे। बच्चों के लिए बनाना है ये वाला, तो आप 32 फंदे डाल के इसको बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सिंगल धागे से हमने देखे ऐसे दोनों साइड हमने सिंगल लेना है, और ऐसे करके 49 फंदे डाल के चार धारियां उल्टी उल्टी बना लेनी है। और उसके बाद उल्टी साइड से हमने यहाँ पे ये वाइट कलर लिया है मैंने दूसरा, तो इससे हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली है। अब देखिए 23 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब धागा पीछे करेंगे, इन तीन फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे। तो पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, और इस बीच वाले फंदे पे दोनों साइड जाली है। पहले जाली बनाई, फिर ये फंदा बनाया, फिर जाली बनाई और ये सीधा बनाया। अब धागा आगे करके 23 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब इसके बाद जब हम छोटा साइज बनाएंगे तो यहाँ पे 22, 21 ऐसे दो दो फंदे कम करते जाएंगे, और बीच में इन तीन फंदों पे ही हमने डिजाइन बनाना है। तो ये पूरी सिलाई मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। ये 23 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। इसके बाद उल्टी सिलाई हम फिर पूरी उल्टी बना लेंगे, और अगली सीधी पे हम फिर दिखाएंगे आपको कैसे हम फिर से जाली बनाएंगे। तो देखिए पूरी सिलाई हमने ये बना ली, लास्ट का एज स्टिच है इसको हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, अब देखिए उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी ऐसे बना लेंगे अपनी साइड को सिलाई करके। ये हम उल्टी सिलाई काउंट करते हैं इसको, तो ये पूरी मैं बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड 23 फंदे हमने फिर से उल्टे उल्टे बना लिए यहाँ पे। अब फिर से हमने धागा पीछे करना है, जो फंदा हम सीधा बना रहे हैं एक हमने इस साइड बनाया है सीधा, एक हमने इस साइड, और बीच पे इन तीन फंदों के साथ में ही हमने जाली बनाते जाना है। देखिए सीधा फंदे के साथ हमने हमेशा जाली बनानी है, और तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे, फिर से जाली बनाएंगे और ये सीधा फंदा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चार चार जालियाँ बनाएंगे, और पांचवी जाली फिर मैं आपको आगे बनाना बताऊंगी, उस पे हमने सेंटर में और डिजाइन बनाना है। तो ये मैं बना लेती हूँ चार जालियाँ चार बार। यहाँ पे हमारी ये दूसरी धारी बन रही है, तो यहाँ पे चार धारियाँ बन के आएंगी, और पांचवी धारी पे हम बताएंगे आपको आगे। अब देखिए फ्रेंड 1, 2, 3, 4 और पांचवी धारी में बनाने जा रही हूँ। यहाँ तक बना लिए 23 फंदे। अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा बनाया, अब यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, और ये जो सेंटर वाला फंदा है ये वाला, इस पे हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4 चार फंदे बना लिए। अब इस एक फंदे पे हम सात फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहीं से हम पीछे मुड़ेंगे, अब इन फंदों को हम दोबारा बना देंगे, 1, 2,
तीन चार पाँच छः सात। अब यहाँ से हम ऐसे मुड़ेंगे और ये जो हमारा पहला फंदा है इसके ऊपर हम सभी फंदों को ऐसे उतारते जाएंगे, दो तीन चार पाँच और ये छः, और इसको टाइट कर देंगे और इस साइड से एक बार फिर बना देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टाइट करेंगे और एक बार फिर इसको बना देंगे, तो यहाँ पे एक गोल लूप सी हमारी यहाँ पे बन के ऐसे आ जाएगी ऐसे। अब इस फंदे को ऐसे लाएंगे और देखिए यहाँ पे टाइट रखेंगे धागा, अगर लूज रखा तो ये नीचे के साइड को चला जाएगा, ऐसे खींच के रखना है धागा। फिर जाली बनाई और ये सीधा फंदा बनाया। अब धागा आगे करके ये 23 फंदे हम उल्टे बना लेते हैं, फिर उल्टी सिलाई हम पूरी दूसरे कलर से बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, अब उल्टी सिलाई हम पूरी जो हमारे यहाँ ये बेस कलर है इससे बना देंगे, और सीधी सिलाई पे मैं फिर से आपको एक बार दोबारा से कैसे हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है वो आपको बता देती हूँ। तो पूरी सिलाई मैं बना लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, अब हमने पूरी सिलाई बना ली है, तो इसमें हमारे 5 फंदे इस साइड को बढ़े, 5 ही इस साइड को, तो हमारे पास 59 फंदे हो गए। एक डिज़ाइन पे 5-5 फंदे बढ़ेंगे, पहले हम 23 फंदे बना लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब देखिए ये जो हमारा सेंटर वाला, इन 3 फंदों पे हम फिर से डिज़ाइन बनाएंगे और 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 23 हो गए, 24, 25, 26, 27 और 28 28 फंदे हो गए, धागा पीछे करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे बनाया था वैसे ही एक फंदा पहले हम सीधा बनाएंगे। देखिए सीधा बना लिया, फिर जाली बनाई इस सेंटर वाले जिस पे हमने ये बनाया था बल्लव, उसी पे हम फिर से जालियाँ बनाएंगे दोनों साइड। फिर जाली बनाई, ये सीधा बना दिया, फिर धागा आगे लाए और ये 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 ये हमारे बड़े हैं, 5 फंदे इस साइड 5 इस साइड और बाकी 23 फंदे फिर उल्टे। तो इस तरीके से आप भाई बनाते जाइए, 4 जाली हम ऐसे बनाएंगे, 5 पे भी हम ये बल्लभ बनाएंगे, और जो भी आप बोलना चाहते हो बॉल बल्लभ कुछ भी। तो इस तरीके से 5-5 धानियाँ हम बनाते जाएंगे। तो मैं लास्ट में दिखाती हूँ आपको मैंने कितने फंदे बढ़ाए और कितने बारी डिज़ाइन बनाया। 2 बारी हम वाइट वाला बनाएंगे, ये वाला ग्रीन बना लेंगे, ये जो हम बना रहे हैं मेहंदी कलर, फिर हम दूसरा इसके बाद वाइट लगाएंगे और उसके बाद फिर हम यही ग्रीन लगाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ इतना, ये देखिए बहुत ही सुंदर बन के आता है ये, फिर मैं आगे का दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, 3 बार मैंने बना लिया, 1, 2, 3 अब हमारे पास है 79 फंदे हो गए टोटल। अगर आपको इससे बड़ा 6-7 नंबर से बड़ा साइज बनाना है तो एक डिजाइन और बना लीजिए। अब देखिए एक साइड हम 40 फंदे रखेंगे और एक साइड हमारे पास 39 फंदे आएंगे। अगर आपने बिना अंगूठे वाली बनानी है तो इन्हीं सभी फंदों को हम इकट्ठा बनाएंगे, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 या 9 धारियाँ ऊपर तक, और फिर इसको सिल देंगे तो ये बिना अंगूठे वाली बन जाएगी। अगर अंगूठे वाली बनानी है तो इस तरह से बनाइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। अभी सेंटर वाले फंदे के हम दो फंदे बनाएंगे, एक इस साइड को एक इस साइड से। 35, 36, 37, 38 और 39। और ये लास्ट वाला फंदा हम एक बार हम इस वाले में भी ऐसे ऐसे बना देंगे और इसको यहाँ से खोलेंगे नहीं। अब यहीं से हम पीछे मुड़ जाएंगे और ये हम बाद में बनाएंगे। 8 या 9 धारियाँ, जितने आपके पाँव मोटा है तो आप 9 धारियाँ बना लीजिए, अगर पतला है तो 8 धारियाँ बना लीजिए। अब इन्हीं 40 फंदों को हमने 8-9 धारियाँ ऐसे ही बना लेनी है। अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक साइड को हमने बना लेनी है। अंगूठे वाली इस तरीके से बनेंगी और बिना अंगूठे वाली मैंने आपको बता दिया इकट्ठी बनेंगी वो। तो ये मैं बना लेती हूँ दोनों अलग अलग, फिर आगे आपको फंदे बंद करना और सिलना बताऊंगी। अब ये देखिए फ्रेंड, दोनों साइड मैंने 8-8 धारियाँ बना ली हैं। अब इस साइड हमने 10 फंदे बंद कर लिए हैं, इस साइड मैं आपको बंद करना बताती हूँ। तो पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 फंदे हमने बंद कर लिए, इस सिलाई पे ले लेंगे। अब सीधी साइड हम अंदर की साइड करेंगे, उल्टी हम बाहर की साइड करेंगे। ऐसे ध्यान से देखिए। अब एक सिलाई और लेंगे हम, जो एक्स्ट्रा सिलाई तीसरी, और इन दो दो फंदों का एक एक करते जाएंगे लास्ट तक ऐसे। दो का एक करा, फिर अगले वाला दो का एक करा, पीछे वाला ऊपर से उतार दिया, फिर अगले वाला दो का एक करा और पीछे वाला ऊपर से उतार दिया। इस तरीके से हम लास्ट तक सभी फंदों को बंद कर देंगे। इसके बाद फिर मैं आपको सिलना बताती हूँ। ये हमारे फंदे बंद हो गए सारे। ये देखिए, यहाँ से हमारे फंदे बंद हो गए, तो मैं पूरे बंद कर लेती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, लास्ट वाला फंदा बचा, तो इसके अंदर से हम ऐसे इसको निकाल देंगे। अब देखिए, अब सुई लेंगे हम, सुई लेके सिलेंगे इसको। जो धागा यहाँ पे बचा हुआ है, इसी से मैं इसको नीचे तक सिलूंगी। ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। देखिए, पहले पक्का करेंगे यहाँ से 2-3 बार। ऐसे। अब जैसे भी आपको सिलना आता है आप इस वैसे सिल लीजिए। दो कलर से सिलना चाहते हो तो दो से सिल लीजिए, नहीं तो एक कलर से भी हम इसको ऐसे सिल देंगे नीचे तक। इसके बाद फिर मैं अंगूठे सिलना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, अंगूठे सिलेंगे इस तरीके से, पकड़ेंगे और एक कोने से दूसरे कोने तक इसको सिलेंगे। तो ध्यान से देखिए,
ऐसे पकड़ेंगे हम पहले इसको, दोनों साइड से एक एक फंदा लेते हुए पूरे वी शेप में इसको सिल देंगे। देखिए अब यहाँ पे हम इसको पक्का कर देंगे, दो बार धागा घुमाएंगे और यहाँ से हम इसको काट देंगे। अब मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको, जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम काट देंगे, पहले पक्का करेंगे फिर काटेंगे, नहीं तो ये निकल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही सुंदर हमारी सॉक्स बनके कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा छोटा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम बड़े छोटे का नाप रखेंगे। अगर इससे बड़ा बनाना है तो एक डिज़ाइन और बना लीजिए, और छोटे के लिए पूरे हैं, सिर्फ यहीं से हमने बॉर्डर से छोटा करना है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।